Hello boys, welcome back to the channel again. I hope everyone is doing absolutely fine. So let's begin with the video. तो बॉयज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का आपका गेमिंग क्वेश्चन देता हूँ. तो आज का आपका गेमिंग क्वेश्चन ये है कि जो स्क्रीन पे मैं आपको गन की फोटो दिखा रहा हूँ, आपको उसका सही सही नाम नीचे कमेंट करना है. अगर आपने इसका सही आंसर नीचे कमेंट किया तो आपका कमेंट मैं पिन करूंगा और आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा. और जो हमारे लास्ट वीडियो के विनर है उनका नाम है ग्रैसन गेमर. सो बिग शाउट आउट टू ग्रैसन गेमर एंड थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग. तो बॉयज अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो ये एक वीडियो स्पेसिफिकली एक टॉपिक के ऊपर है जो अभी अपनी कम्युनिटी में अराइज हुआ है. सो गाइज मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली मैटर क्या है. सो बॉयज अरुणाचल प्रदेश के पाजीघाट के एमएलए हैं एक नियोंग एरिंग, आई होप मैं उनका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ. तो उन्होंने अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट करा पीएमओ को टैग करते हुए और उन्होंने उस ट्वीट में यही रिक्वेस्ट करा है नरेंद्र मोदी और इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि पबजी मोबाइल बैटल ग्राउंड्स जो नया आने वाला है इंडिया में उसको बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये एक चाइनीज़ ऐप है और इससे इंडियन सिटीजन्स को और उसकी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा हार्म होने वाला है. सो बॉयज इन्होंने सिर्फ ट्वीट ही नहीं करा, इन्होंने एक ऑफिशियल लेटर भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को. और आपको वो लेटर मैं अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी बड़ा लेटर है, ये मैंने पूरा पढ़ा है तो मैं आपको अभी सिंपल में एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें है क्या. वैसे तो गाइज इस लेटर में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो पूरी तरह से बुलशिट है और काफ़ी ज़्यादा इनएक्यूरेट चीज़ें भी लिख रखी हैं इसके अंदर इस लेटर में और इन्होंने जो लिख के दिया ऑफिशियल लेटर. सो गाइज बेसिकली इन्होंने यही बताया कि पिछले साल जब पबजी बैन हुआ तो उसके बाद अब टेंसेंट चाह रही है कि वापस इंडिया में पबजी दोबारा से आ जाए. और उन्होंने ये भी बताया कि क्राफ्टन जो कंपनी है जो कि इंडिया में अब BGMI लॉन्च कर रही है उसमें टेंसेंट के 15% शेयर्स हैं और इससे इंडिया चाइनीज कंपनीज इंडिया में वापस से इन्वेस्ट करके इंडिया की प्राइवेसी और इंडियन यूजर्स का डेटा चुराएंगी. इनका कहने का यही मतलब है कि ये पूरी तरह से सेम ही गेम है, पिछला जो पुराना गेम था पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन ये फिर से इंडिया में लॉन्च हो रहा है, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया और ऊपर से इसकी थोड़ी ब्रांडिंग चेंज कर दी गई, बाकी ये सब कुछ सेम है. और बॉयज मैंने इनका पूरा लेटर पढ़ा तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इनको पूरी तरह से टेक्निकल नॉलेज है कि ये पूरा नया गेम है. जैसे कि हमको पता है कि ये पूरा नया गेम है, ये एक अलग वर्जन बना हुआ है इंडिया के लिए जो कि इसके सारे सर्वर्स और सारे डेटा सेंटर्स इंडिया में और सिंगापुर में होने वाले हैं. सो गाइज मुझे नहीं लगता इनको पूरी टेक्निकली नॉलेज है. और उन्होंने साथ ही साथ ये भी एक चीज़ बोली है अपने लेटर में कि अगर इंडिया में पबजी मोबाइल को अलाउ कर दिया गया तो इसी के साथ साथ टिकटॉक और वीचैट वापस से कंट्री के अंदर आ जाएंगे, इनका लेटर में ये भी लिखा हुआ है. और इन्होंने साथ ही साथ ये भी प्लीड करा है सुप्रीम कोर्ट की भी, बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके बोली है कि गेम को इंडिया में रिलॉन्च नहीं होना चाहिए और ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी ऑफ आवर सिटीजन्स है. सो बस ये तो एक चीज़ इन सब साफ पता चल गया कि इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनमें क्लियरली स्पेशली इनके पास तो बिल्कुल ही टेक्निकल नॉलेज नहीं है. और इनको ये भी नहीं पता कि स्पोर्ट्स, शायद ही इनको पता होगा कि स्पोर्ट्स की एक पूरी गेमिंग इंडस्ट्री है जो कि बहुत बड़ी है, वो स्कैम नहीं करती है और उनको डेटा चुराना और इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है. और जहाँ तक पबजी मोबाइल बैटल ग्राउंड्स इंडिया की बात है कि ये तो एक बिल्कुल ही अलग गेम है और इसमें तो डेटा प्राइवेसी का कोई इशू नहीं होना चाहिए जहाँ तक मुझे नॉलेज है. और बॉयज़ इनके लेटर और ट्वीट से क्लियर हिपोक्रेसी दिखती है कि जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे ऐप्स और बहुत सारे जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं वो चाइनीज़ कंपनीज़ और चाइनीज़ जो ऐप्स हैं उनसे होते हैं, जैसे कि ड्रीम इलेवन, ओला, पेटीएम वगैरह सारे कंपनीज़ का शेयर है. जैसे कि टेंसेंट का ही इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज़ और ऐप्स में शेयर्स है. इनफैक्ट IPL जो कि खुद इंडिया में होस्ट होता है, इंडिया का अपना खुद का बनाया हुआ टूर्नामेंट, उसका मेजर स्पॉन्सर वीवो है जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है. सो गाइज यहाँ पर ये चीज़ बोलना कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट और चाइनीज़ को सपोर्ट नहीं करना ये बिल्कुल ही हिपोक्रेट है और सिंपल सिर्फ एक सिंगल गेम को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे. और बॉयज़ जहाँ तक बात रही कि इनके ट्वीट और लेटर से क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जैसे कि मुझे दिखता है कि यहाँ पर इन्होंने एक हैशटैग स्टार्ट किया है इंडिया बैंस बैटल ग्राउंड, जिसमें काफ़ी सारे ट्वीट ऑलरेडी हो चुके हैं. बहुत सारे बड़े बड़े जो एडवोकेट्स हैं और कुछ लोग इसको ब्लेटेंटली सपोर्ट कर रहे हैं बिना कुछ इन्फॉर्मेशन लिए हुए. और जहाँ तक इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की बात है उन्होंने भी रिस्पॉन्ड करा है, जैसे कि घातक, मैक्सटन वगैरह ने काफ़ी सारा ट्वीट्स और काफ़ी सारा कमेंट किया है इसके ऊपर और अपनी स्टोरीज भी डाली है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी स्क्रीन पर. सो गाइस मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा कुछ इफेक्ट होने वाला है क्योंकि पहले से ही सारी परमिशंस क्राफ्टन ने ले रखी होगी गवर्नमेंट से पास कराने के लिए और गवर्नमेंट के अंडर ही हो रहा होगा ये सब कुछ. तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा इफेक्ट होगा और अगर कुछ इफेक्ट होगा तो आगे आने वाले दिनों में हमें पता चल ही जाएगा. तो बॉयज़ आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप अपना ओपिनियंस मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट जरूर चेकआउट करूँगा. टिल देन मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर देना. बाय बाय.